नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी मधुर मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाली पार्श्व गायिका हेमलता की। भारतीय सिनेमा में गाए उनके अनूठे गीत उन्हें अन्य गायिकाओं से अलग पहचान दिलाते हैं। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं। हेमलता जी का जन्म हुआ 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के सेहला गांव का निवासी है। उनका असली नाम लता भट्ट है, लेकिन फिल्म जगत ने इन्हें नाम दिया हेमलता। हेमलता जी को बचपन से ही गायकी पसंद थी, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया क्योंकि वह हेमलता को संगीत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहते थे। उनका परिवार रूढ़वादी संस्कृति में डूबा हुआ था और पूरी तरह से हेमलता जी के संगीत सीखने के खिलाफ था। परिवार में संगीत का माहौल भरपूर था। पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन ये संगीत बेटियों के लिए नहीं था। शायद ये इनके संघर्ष का सबसे कठिन दौर था। वह दुर्गा पूजा में होने वाले संगीत के कार्यक्रमों में छुप छुप कर गाया करती थी। लेकिन हेमलता जी को जब ये मौका मिला तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ गायकी के लिए ही बनी है। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो वो मात्र 12 साल की उम्र में इन्हें मौका मिला लता जी, किशोरदा, हेमंत कुमार आदि दिग्गज कलाकारों के साथ स्टेज पर गाने का। वहां इनके आवाज का जादू कुछ ऐसा चला कि ये बेबी लता के नाम से मशहूर हो गए। अब इनके परिवार ने इनके संगीत सीखने के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाया। इनकी प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना संगीतकार नवसाद साहब ने। नवसाद पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया कि हेमलता लगातार 5 साल तक मेरे लिए गाएंगी और साथ ही साथ मैं इनको संगीत का प्रशिक्षण भी दूंगा। ये बात फिल्म जगत में आग की तरह फैल गई और उनके घर पर बड़े बड़े संगीतकारों का तांता लग गया। सब इनको अपने फिल्म में गंवाना चाहते थे। उधर 5 साल का लंबा इंतजार और इधर फिल्मों में तुरंत गाने का ऑफर। आखिर नवसाद साहब के साथ इनका अनुबंध टूट गया और उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में इन्होंने अपना पहला गाना गाया। उस समय इनकी उम्र थी महज 14 साल। उसी दिन इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए अपना दूसरा गाना ले चल मेरे जीवन साथी मुकेश जी के साथ गाया। उसके बाद एसडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी, चित्रगुप्त सबने इनसे एक से बढ़कर एक गीत गवाए। बेबी लता अब हेमलता के नाम से इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने लगी थी। ১৯৭৬ में रविंद्र जैन साहब ने इनसे फकीरा फिल्म के लिए गीत गवाया। इस गाने की पॉपुलैरिटी उनके करियर का अहम मोड़ साबित हुई। उनके करियर ने
बड़ी लीग में प्रवेश किया। उसी वर्ष रविंद्र जैन ने राष्ट्रीय बैनर के फिल्म चितचोर के लिए हेमलता जी की आवाज का इस्तेमाल किया। गाने के लिए हेमलता जी को 1977 का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस बीच इनके प्रति राजनीति का सिलसिला भी शुरू हुआ। वो उस दौर में अपना सिक्का जमा रही थीं, जब संगीत जगत में बड़े बड़े नाम स्थापित हो चुके थे। इसके लिए इन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी हेमलता ने अपनी अनूठी आवाज की गुणवत्ता पर खुद को स्थापित किया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ उनका बहुत बड़ा जुड़ाव था। उन्होंने 80 और 90 के दशक में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की विभिन्न फिल्मों में कई गाने गाए। उनके जीवन में एक और मील का पत्थर अखियों की झरोखों से आया। उस फिल्म का शीर्षक गीत अखियों की झरोखों से वर्ष 1978 का नंबर 1 गीत बना। वह उस गीत के लिए फिल्म फेयर के लिए भी नॉमिनेट हुई। इन फिल्मों के बाद ही हेमलता को लता जी के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा था। रविंद्र जैन के सहयोग से उन्होंने भारतीय शास्त्रों पर आधारित अधिकांश फिल्मों के लिए व्यापक रूप से गाया। रामायण चौपाइयां, कबीर दोहा, सुंदरकांड और विभिन्न भक्ति गीतों को इन्होंने गाया। इसके अलावा इन्होंने रामायण सागर के टीवी सीरियल रामायण के लिए अपनी आवाज दी है। वह खुद भी एक एपिसोड में पारंपरिक मीरा भजन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो गाती नजर आई हैं। अब बात करते हैं इनके निजी जीवन की। इनकी शादी योगेश बाली के साथ हुई, जो बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। लीवर की बीमारी के चलते उनकी मौत 25 जनवरी 1988 को हो गई। उनका एक बेटा है जिसका नाम है आदित्य बाली। हेमलता जी ने 40 भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गए। करीब 3 दशकों तक इन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक नायाब नगमे दिए। पाकिस्तानी गायक अताउल्लाह खान के साथ इन्होंने 3 एल्बम के लिए गाने गए, परंतु इनमें से 2 एल्बम रिलीज ही नहीं हुए। हेमलता जी ने यह भी दावा किया कि अताउल्लाह खान ने इनके द्वारा गाए एक गाने को अनु मलिक को दे दिया। उस गाने को अनु मलिक ने हीरो हिंदुस्तानी फिल्म के लिए किसी और सिंगर से गवाया था। हालांकि ऐसी घटनाएं हेमलता जी के साथ पहले भी कई बार हो चुकी थी। हेमलता जी 1999 में फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह के मैक्सिको चली गई, जहाँ ये अपने म्यूजिक इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को संगीत सिखाने लगी। 2015 में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित उनका गाना माँ मुझे आने दे चर्चा में रहा। वह एकमात्र भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने अमेरिका जैसे देश में एक संगीत अकादमी शुरू की है। उनकी अकादमी भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत के प्रसार और प्रसारण के साथ साथ हॉलीवुड लॉस एंजल्स से लेकर पूरी दुनिया में गुरमत संगीत का प्रचार प्रसार कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हेमलता जी के बारे में बस इतना ही। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो एक वीडियो हम हेमलता जी के ऊपर और लेकर आएंगे, जिसमें कुछ ऐसी बातों का खुलासा करेंगे जिसे अभी तक आपने ना तो सुना होगा और ना ही देखा होगा। अब वक्त है आप लोगों को एक राइजिंग स्टार से रूबरू कराने का। नारद टीवी की एक नई पहल है जिसमें हम आपको नए स्ट्रगलिंग कलाकारों से रूबरू कराएंगे। आज के इस वीडियो में जो नाम हमने शामिल किया है वो है प्रसन्नजीत बत्रा। प्रसन्नजीत कोलकाता के रहने वाले हैं। कुमार सानू के ये बहुत बड़े वाले फैन हैं। काफी हद तक इनकी आवाज कुमार सानू से मैच करती है। हमने तो इनके गाने को सुना है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इनके चैनल पर जाएं और इनके गाने को सुनें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आप सबका प्रोत्साहन इनके आगे बढ़ने में इनकी मदद करेगा
और हो सकता है आज का राइजिंग स्टार कल संगीत जगत के आसमान में एक बहुत बड़ा सितारा बनकर उभरे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नारद टीवी के परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।